नमस्कार, मैं गौरी आप सभी का स्वागत करती हूं। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। लोकसभा चुनाव के परिणाम आते ही राजनीतिक दलों में मंथन और चिंतन का दौर जारी है। कहीं हार के कारणों को समझने की कवायद जारी है तो कहीं संगठन विस्तार की रणनीति पर विचार चल रहा है और कहीं रणनीति के साथ आगे बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। देश के पुराने राजनीतिक दलों में एक राष्ट्रीय लोकदल, जिसे किसानों की पार्टी कहा जाता है, इस संसदीय चुनाव में दो सीटों के मिलने पर दोनों सीटें जीतकर 100% परिणाम ला चुकी है। पर अब रालोद भी लगातार लोगों को जोड़कर अपने संगठन विस्तार में लग गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में पदाधिकारी नियुक्त, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत दावेदारी पेश करने की तैयारी शुरू हो गई है। आज भी प्रदेश रालोद कार्यालय में रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी के सामने कई जिम्मेदार लोगों को रालोद की सदस्यता दिलवाई गई। यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव रजनीकांत मिश्रा और मुखर रालोद नेता आमिर साबरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मौके पर हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी से खास बातचीत की है, देखिए। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं और यहाँ पर सभी पार्टियां अपने अपने दल को मजबूत करने की कवायद में लग गई। अगर हम बात करें रालोद की, तो यहाँ पर भी सक्रियता लगातार बढ़ी है और संगठन विस्तार को लेकर लगातार रणनीति चल रही है। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी। आज एक प्रेस वार्ता की गई, क्या मुद्दा रहा, क्या मामला रहा, उनसे जानते हैं। देखिए, आज बहुत लोगों ने, बड़े सीनियर लोगों ने, और जो जगह जगह राजनीति से हटके सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं, सबसे बड़ी आज लोकदल की ये उपलब्धि रही कि जो लोग समाज में काम कर रहे हैं, राजनीति में भी कर रहे हैं पर समाज में ज़्यादा काम कर रहे हैं, आज वो हमारे साथ आए। ऐसे 3-4 लोग आए, हाई कोर्ट के एडवोकेट आए राघवेंद्र, उनके साथ कई एडवोकेट आए हैं, औरैया के एडवोकेट हैं, अंचल अर्जरिया झांसी में हैं और बुंदेलखंड विकास परिषद चलाते हैं, और जो बुंदेलखंड की एक मांग है वहाँ बहुत नौजवानों की, किसानों के तमाम सवाल हैं और उनके एक स्टेट की भी मांग भी चली आ रही है, जो लोकदल का RLD का एक एजेंडा चौधरी अजीत सिंह जी ने फिक्स किया था, छोटे राज्यों वाला, उन्होंने ज्वाइन किया। एक मौलाना बहुत प्रभाव रखते हैं लखनऊ में और आसपास, उनकी उनका इदारे हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। राजनीतिक लोगों ने भी किया, जावेद रजा पहले छात्र लोकदल में हमारे प्रदेश पदाधिकारी रहे बड़े, उसके बाद वो बसपा उसमें चले गए थे और लोकदल के अध्यक्ष बने, दोबारा वो जौनपुर के रहने वाले, दोबारा ज्वाइन कर गए। ऐसे 200 लोगों ने आज ज्वाइन किया और उससे लोकदल की ताकत बढ़ रही है और वो इस बात का सबूत है कि उत्तर प्रदेश में लोकदल, जो लोग ये कहते थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मजबूत है, आज जिन 20-25 प्रोमिनेंट साथियों ने ज्वाइन किया वो सारे बुंदेलखंड और पूर्वांचल के, मध्य यूपी के रहने वाले हैं। ये एक अच्छा साइन है हमारे लिए। और रामाशीष राय जी हमारे अध्यक्ष हैं, वो देवरिया के रहने वाले हैं। कोई लोग मुझसे सवाल भी करते हैं कि साहब पूर्वांचल में आप क्या करेंगे, तो पूर्वांचल का बहुत सबसे बड़ा नेता हमारे साथ है, ये तो भारतीय जनता युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, MLC रहे, तो हमारे पास एक टीम है और इस टीम को चैनलाइज करने की ज़रूरत है, काम पे लगाने की। अब मैं जैसे अंचल की बात कर रहा हूँ, अगर अंचल वहाँ बुंदेलखंड में एक्टिव हो जाएं तो 100-200 लोगों को हमारे साथ जोड़ सकते हैं और उसमें सब तरह के लोग हैं, उद्यमी भी होंगे उसमें, वकील भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, किसान भी होंगे, सभी लोगों को हमारे साथ जोड़ेंगे तो हमारी पार्टी मजबूत होगी और उस क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। जुलाई से हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे और ये देखेंगे कहाँ कहाँ हम लोगों में कमी रह गई है, कौन लोग हमारे काम नहीं कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं उन्हें काम पे लगाएंगे और नए लोगों को जोड़ेंगे, उसको गति देने का काम करेंगे और संगठन को मजबूत करने की कार्रवाई करेंगे। एक सवाल और भी रहेगा, क्योंकि आपने बुंदेलखंड का नाम लिया, किसानों की पार्टी कही जाती है, बुंदेलखंड में इस समय स्थिति खराब है, पेयजल की बात करें या किसानों की बात करें, क्या लगता है रालोद वहाँ पर अपना स्थान बना पाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी सत्ता के सामने है, 2 साल बाद चुनाव होने हैं। देखिए, रालोद का स्थान तो पूरे उत्तर प्रदेश में रहा, पर कुछ कारण ऐसे आ गए जब राजनीति मुद्दों से भटक के इधर उधर चली गई तो उसमें हम कमज़ोर हुए। मैं इसमें कोई नहीं छुपाऊंगा, राजनीति पिंगली है, पहले राजनीति जातियों में तो थी, धर्म में नहीं थी, अब के फिर पिंगली है कि धर्म से फिर जातियों में आई है, तो राजनीति पिंगलती रहती है। इस पिंगली हुई राजनीति में लोकदल को नुकसान हुआ तो उस नुकसान की हम भरपाई कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं और लोकदल को मजबूत करने का काम करेंगे। आने वाले समय में और क्या रणनीति होने वाली है, क्योंकि उपचुनाव भी होने वाले हैं, क्या मानते हैं कुछ सीटें उपचुनाव में मिलेंगी आपको? नहीं, उपचुनाव में हमारा एक MLA MP हो गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3-4 सीटें खाली हुई हैं। अब देखिए, जो जो सीटें बात करेंगे, NDA में बात होगी, अब ये बातें जो सीटें हमें मिलेंगी और जहां NDA जो लड़ेगा वहां लोकदल जिताएगा। हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई फ़र्क नहीं किया, सेकंड राउंड में तो 8 के 8 जीते, हम एक लड़े थे, 8 जीते तो 7 किसके हैं,
फर्स्ट राउंड में हम एक लड़े थे जो ज़्यादा जीतते, तो हम लोगों ने थर्ड राउंड में यही हुआ, थर्ड फतेहपुर सीकरी आगरा मथुरा सब हम लोगों के, सब हमारे प्रभाव क्षेत्र के लोग हैं, तो वो सब उसमें कोई बात नहीं है। ये अब एनडीए है तो एनडीए की जो भी उम्मीदवार होंगे उसको राष्ट्रीय लोकदल मजबूती से मदद करेगा, काम करेगा। तो ये थे हमारे साथ रालोट की राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी का कहना है कि सर जो पार्टी वो लगातार विस्तार कर रही है, संगठन को बढ़ावा दे रही है और रणनीति बना रही है, क्योंकि आने वाला चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है और साथ साथ यहाँ पर जो स्थान बनाना चाहते हैं जनता के बीच वो यहाँ पर बहुत जरूरी है। क्या पसंद आकर्षक गौरव से सीनी भारत लखनऊ। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।